नमस्कार, मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज धार कलेक्टर दीपक सिंह फेसबुक के माध्यम से धार जिले के लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू हुए। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से जिले के मतदाताओं से के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। यह प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक नव अभिनव प्रयोग था जो कि बहुत ही सफलतम रहा। उन्होंने आधे घंटे में हर मतदाता के द्वारा पूछे गए सवालों का बहुत ही सहज तरीके से जवाब दिया। यह स्वीप प्लान के तहत बहुत अच्छी पहल थी जो मध्य प्रदेश में पहली बार हुई। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव। नमस्कार मित्रों, आज हम फेसबुक लाइव में आपसे चर्चा हैं। जैसे आपको मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च 2019 को मतदान और लोकसभा निर्वाचन के लिए कार्यक्रम जारी किया है। उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। संसदीय क्षेत्र के लिए 22 अप्रैल को हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करते ही लेने की प्रोसेस शुरू। नॉमिनेशन लेने की लास्ट डेट 29 अप्रैल रहेगी। अप्रैल को इसका नॉमिनेशन नहीं होगा तो नाम और उसी दिन को सिंबल अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। 19 मई को मतदान होगा और 23 मई को मतगणना की जाएगी। मैं आप सभी साथियों से प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूँ और जो भी अपने प्रश्न पूछा है आप फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। सोदिया ने एक प्रश्न पूछा है, दिव्यांग मतदाताओं के मतदान हेतु किस प्रकार की मदद प्राप्त हो सकेगी। इसके बारे में मैं आपको बताना, मतदाता हमने 10,000 से अधिक दिव्यांग मतदाताओं की फ्लैगिंग की। इसके साथ ही लगभग 11,000 ऐसे जिनकी उम्र से अधिक है, इनके लिए हमने इनको घर से मतदान केंद्र तक लाने ले जाने की सुविधा पासेस दिए जाएंगे। हर मतदान केंद्र में एक दिव्यांग होगा, ट्राई साइकिल होगी। जो भी पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उन्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो क्यू जंप करके डायरेक्टली मतदान केंद्र के अंदर अपना मतदान के लिए जा सकेंगे। इसके लिए एक सुगम में पोर्टल भी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया गया है, उसका उपयोग हम पीडब्ल्यूडी वोटर्स के सहायता के लिए कर रहे हैं। अर्शद पठान जी ने एक प्रश्न पूछा है, कुछ लोग मतदाताओं को गाड़ी से भरकर केंद्र पर लाते हैं, क्या वह सही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन जो मतदाता को दिए जाते हैं वो बैन है। इसमें वाहनों से उनको लाना ले जाना भी शामिल है। इसलिए जो हमारा मतदान का दिनांक है 19 मई को, उस दिन किसी भी मतदाता को गाड़ी से ढोकर मतदान केंद्र पर लाना प्रतिबंधित रहेगा। कोई मतदाता अगर अपने परिवार से अपने वाहन से मतदान केंद्र आए तो वो आ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी धार जिले में हमने विभिन्न मतदान कैसे ज्यादा हो उसके लिए क्या किया जाए, ये वीरेंद्र रघुवंशी जी ने पूछा है। मतदान बढ़ाने के लिए जागरूकता और लोगों से सतत संपर्क ही बेस्ट प्रैक्टिस है और इसमें बीएनओ और जो एनजीओ है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सर, आज आप फेसबुक लाइव हुए, मतदाताओं से रूबरू हुए, क्या ये मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग है और क्यों? जैसे आपको मालूम है कि लोकसभा निर्वाचन घोषित हो गए हैं और निकट भविष्य में धार संसदीय क्षेत्र के लिए भी चुनाव होने हैं। इस दौरान बहुत सारे नागरिकों और मतदाताओं की प्रश्न रहते हैं, शंकाएं रहती हैं, जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमने फेसबुक लाइव प्रोग्राम किया था और इसमें हमारे ज़िले के काफ़ी लोगों ने भाग लिया और उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ अपने जिले के नागरिकों में एक जानकारी का आदान प्रदान और उनमें ये कॉन्फिडेंस दिलाना था कि इलेक्शन के लिए हमारी जो प्रिपेयरनेस है वो अच्छे स्तर की है। किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, जिस तरीके से लाइक हुआ,
लोगों ने किस तरीके से आज फेसबुक लाइव के दौरान आधे घंटे में मैं समझता हूँ कि लगभग 30-40 लोगों ने अपने प्रश्न किए। इसके अलावा काफ़ी लोग इसमें जुड़े भी रहे और इस तरह के प्रयोग हम आगे भी करेंगे और विधानसभा स्तर के लिए भी हम फेसबुक लाइव प्रोग्राम आयोजित करने की मंशा रखते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चुनाव के कार्यक्रम में जोड़ सकें। सर, ये निर्वाचन आयोग का प्रोग्राम था या आपकी खुद की सोच थी? भारत निर्वाचन आयोग की ये मंशा है कि निर्वाचन संबंधी जो भी कार्य हैं उनमें पारदर्शिता रहे। स्वीप जो एक्टिविटी है, लोगों को किस तरह से मतदाताओं को जागरूक करना है या उनको अपने चुनाव की गतिविधियों से अवगत कराना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग करने के बारे में निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं। उसी के तहत हमने ये फेसबुक लाइव का प्रोग्राम आयोजित किया है।